The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. अब हम आ जाते हैं टाइपराइटर्स पे. कहाँ जाते हैं टाइपराइटर्स पे. हमने फोटोकॉपीज के बारे में डिस्कशन कर लिया थोड़ा सा. फोटोकॉपीज के अलावा हमने फैक्स मशीन के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अब हम टाइपराइटर्स पे आते हैं. टाइपराइटर्स, टाइपराइटर की इमेज यहाँ पे लगाई हुई है और ये टाइपराइटर कैसे वर्क करता है, टाइपराइटर पे आप कैसे टाइप करते हैं ये दिखा हुआ है. तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो जैसे हमारे लैपटॉप में या जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है ऐसे ही आपके पास कीबोर्ड के जैसा कुछ मटेरियल दिख रहा है आपको. मतलब ये आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं. जब इन्हें प्रेस किया जाता है तब जाके यहाँ पे देखो ये एक रिबन सी है जो इधर बार बार स्ट्राइक कर रही है. तो जब ये स्ट्राइक करती है, जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करते हैं, ये जो लीवर जैसा है वो स्ट्राइक करता है इस बैरल जैसे थिंग पे और वो जाके जो यहाँ पे पेज लगा हुआ है पेज में वो वर्ड छप जाता है. ठीक है, तो ये होता है टाइपराइटर. टाइपराइटर कुछ इसी तरीके से वर्क करता है. ये वर्किंग टाइपराइटर है, ऑलरेडी ये चल रहा है तो आप उसे एविडेंटली देख सकते हैं. ओवरऑल टाइपराइटर ऐसा ही दिखता है. जैसे कि आपने यहाँ पे प्रेस करा तो ये सारे कीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारे कीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है. जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल यू प्रेस किया तो ये जाके स्ट्राइक करेगा इस पेज पे, इसके पीछे पे बैरल है, ये जाके स्ट्राइक करेगा इस पेज पे और वो वर्ड जो आप लिखना चाहते हैं इस पेज में इम्प्रेशन के थ्रू लग जाएगा, उसका इम्प्रेशन इस पेज में लग जाएगा और ये जो पेपर आपका जनरेट हुआ, ये कहलाएगा टाइपस्क्रिप्ट. ठीक है, क्या कहलाएगा? टाइपस्क्रिप्ट कहलाएगा. तो एक बार टाइपराइटर के स्टेटमेंट देख लेते हैं. अ टाइपराइटर इज अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोटेक्निकल मशीन. तो टाइपराइटर क्या है? मैकेनिकल और इलेक्ट्रोटेक्निकल मशीन है फॉर टाइपिंग कैरेक्टर. टाइपिंग कैरेक्टर क्या, आप टाइप क्या कर रहे हैं? आप अल्फाबेट्स टाइप कर रहे हैं और कुछ नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं. तो टाइपिंग कैरेक्टर आपको टाइप करने के लिए आप टाइपराइटर्स का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करना है और वो डॉक्यूमेंट आप जनरेट कर रहे हैं टाइपराइटर के लिए तो वो मशीन जनरेटेड डॉक्यूमेंट के अंदर आएगी और ये एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रोटेक्निकल मशीन है जिससे आप कैरेक्टर्स को टाइप कर सकते हैं किसी पेज में, जिससे आप क्या कर सकते हैं किसी पेज में डायरेक्टली. अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में मैंने डॉक्यूमेंट बनाया तो मैंने पेज में टाइप नहीं किया, मैंने पेज में वो इम्प्रेशन नहीं, कैरेक्टर नहीं लिखा, मैंने लिखा मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन का जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने प्रिंटर से कनेक्ट किया और प्रिंटर से मुझे मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट. बट मैंने डायरेक्ट अपनी मशीन से पेज में इम्प्रेशन नहीं डाले. तो कंप्यूटर जो होते हैं वो डायरेक्ट अपने सिस्टम से या अपनी मशीन से पेजेस पे इम्प्रेशन नहीं डालते, बट टाइपराइटर से आप अपनी मशीन से डायरेक्ट पेजेस पे इम्प्रेशंस, कैरेक्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंटर्स मूवेबल टाइप. तो मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटर्स की सिमिलैरिटी आपको बता रहा है, बट डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही होता है कि आप जो टाइपराइटर्स हैं उससे डायरेक्ट कैरेक्टर्स आप पेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट कंप्यूटर में आप पेज में डायरेक्ट या फिर डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट अपनी कैरेक्टर्स और वर्ड्स नहीं ट्रांसफर कर सकते. टिपिकली अ टाइपराइटर हैज़ एन एरे ऑफ कीज़. तो एरे ऑफ कीज़ है, यहाँ पे देखो कितनी सारी कीज़ है. ऐसी ही कीज़ हमारे कीबोर्ड में भी होती है, चाहे वो डेस्कटॉप का कीबोर्ड हो या फिर लैपटॉप का कीबोर्ड हो. तो ये एरे ऑफ कीज़ होती है, आपके पास बहुत सारी कीज़ होती हैं, आपके पास सारे अल्फ़ाबेट के वर्ड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, साइंस होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. ईच वन कॉजेज़ अ डिफरेंट सिंगल कैरेक्टर. और जैसे ही आप किसी एक कैरेक्टर को पुश करेंगे या किसी एक कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो वो एक सिंगल कैरेक्टर का ही जनरेशन करेगा, उस पेज में एक सिंगल कैरेक्टर का ही जनरेशन करेगा. अगर आपने ए प्रेस किया तो वो सिर्फ ए का ही जनरेशन करेगा आपके पेज में. टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द पेपर, येस वो एक ही कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, सिंगल कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा. बाई मीन्स ऑफ रिबन विद द ड्राइड इंक स्टक अगेंस्ट द पेपर. जैसे कि मैंने बोला ये रिबन्स है, ठीक है, ये रिबन्स ने मान लो जैसे ही आपने ये कोई वर्ड प्रेस किया ये रिबन्स स्ट्राइक करेंगे यहाँ. ये रिबन्स कहाँ स्ट्राइक करेंगे? स्ट्राइक करेंगे यहाँ, और इन रिबन्स में ड्राइड इंक होती है
जो कि ट्रांसफर हो जाएगी इस पेज में, और जो भी वर्ड के रिबन ने स्ट्राइक करा है वो जो रिबन है वो इम्प्रेशन, वो कैरेक्टर आपके पेज में छप जाएगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये जो स्ट्राइक कर रहा है बार 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 बार, जो स्ट्राइकिंग का सिस्टम चल रहा है यहाँ पे वो यही रिबन स्ट्राइक कर रहा है, और उसमें ड्राइड इंक प्रेजेंट होती है जो इंक आपके पेज में ट्रांसफर हो जाती है और आप सक्सेसफुली अपने मशीन से डॉक्यूमेंट जनरेट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया टाइपराइटर।